सो गाइस, किसका मन नहीं होता अपना खुद का घर होना। जाहिर सी बात है, आप भी एक ना दिन सोचते होंगे कि खुद अपने कमाए हुए पैसे से खुद का घर क्यों ना लिया जाए। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये 40 गज का पूरा है, जिसमें आपको पूरा मकान इसमें मिलेगा। आपको इसमें किचन, बाथरूम, रूम, यहाँ तक कि आपको ड्राइंग रूम भी मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आपको पार्किंग के लिए भी सुविधा मिलेगी। तो अगर आपको इस चीज़ देखना है कैसे लेना है, कितने में लेना है और कहाँ पे लेना है, तो देखते रहिए बाबा का बिजनेस और लेते रहिए बाबा का ज्ञान। के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ दिल्ली के अंदर मोहन गार्डन में 40 गज का फ्री होल्ड मकान। जी हाँ, जड़ से रहने वाले और 40 गज का, और 40 गज में भी जो है आप लोगों को पार्किंग मिल रही है, रूम मिल रहा है, किचन मिल रहा है, बाथरूम मिल रहा है और एक फ्लोर बना हुआ मिल रहा है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं बहुत ही बड़ा आपको हॉल देखने को मिलेगा, जिसको आप एज अ ड्राइंग रूम या फिर पार्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छी सीलिंग फैन के साथ डिजाइन कर रखा है, टाइल है पूरा मार्बल नीचे यूज़ हो रखा है, देख सकते हैं फ्लोर के अंदर भी टाइल यूज़ हो रखा है। एक्चुअली थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर है, 80% रेडी हो गए, ओनली 20% पेंडिंग है, तो थोड़ा डर्टी आपको लगेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बहुत ही अच्छा जो है इसके अंदर आप लोगों को मटेरियल देखने को मिलेगा, A1 क्वालिटी की प्रीमियम वाली टाइल्स यूज़ हो रखी है। नीचे जो टाइल यूज़ हो रखी है वो भी बहुत ही A1 क्वालिटी के हैं। एंट्री ही करते आप जब जाते हैं तो आपको साथ में स्टेयर्स मिलते हैं, स्टेयर्स के साथ जो यहाँ पे बाथरूम है, और बाथरूम भी पूरा इटालियन लुक के अंदर डिजाइन किया हुआ है, पूरा आपको वेल फर्निश्ड मिल रहा है। शॉवर आप लोगों को मिल रहा है इसके अंदर, टैंक आप लोगों को मॉडर्न वाले मिल रहे हैं, इटालियन बाथरूम सीट आप लोगों को मिल रही है विद शॉवर मिल रहे हैं, इसके बाद आपको सिंक मिल जाता है साथ में, जो किचन बाथरूम के बीच में अटैच है, बहुत ही अच्छा रहने वाला। और ओपन किचन मिल रहा है, सबसे बड़ी बात ओपन किचन है जिसमें सफोकेशन नहीं हो सकती। और उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें आपको एक विंडो मिल रही है जो किचन की सारी गर्मी निकाल देती है, सफोकेशन ना बने। प्लस यहाँ पे आप चिमनी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंक मिले, सिंक में भी आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, गर्म पानी का, नॉर्मल वाटर का एंड ताजा पानी का। साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिल रहा है, जिसमें आप अपना मिक्सर वगैरह या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चला सकते हैं। वेल फर्निश्ड रहने वाला है, ऊपर स्पेस खाली है जिसमें आप अपनी वुडन फिटिंग भी करा सकते हैं, नीचे भी आपको स्पेस मिल रहा है बॉक्स के लिए, और यहाँ पे आपको गीजर का पॉइंट मिल रहा है साथ में। अगर इसी के साथ में एक रूम मिल रहा है आपको, रूम के अंदर विंडो भी मिल रही है, ये देखिए एंटर करते ही रूम आ जाएगा जिसमें आप अपना एज अ बेडरूम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको AC का पॉइंट मिल जाएगा, ये देख सकते हैं सीलिंग के अंदर आपको काफ़ी सारी लाइट्स मिल रही है, जो ना रूम को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रही है। इसके साथ देखिए जो सीलिंग यूज़ की गई है, आज के टाइम में चल रही ट्रेंडिंग सीलिंग डिज़ाइन को देखिए डिज़ाइन करा गया है, लाइट्स वगैरह मिल रही है, फैन का पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है, और साथ में जो फ्लोर पे यूज़ की गई है वो टाइल यूज़ की गई है, और टाइल के अंदर भी आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो प्रीमियम वाली क्वालिटी यूज़ की गई है। हॉल की बात की जाए तो आप जो लोग देख सकते हैं भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी करा सकते हैं, चाहे वॉलपेपर लगवाना हो या फिर आपको जो आजकल 3D वाली आर्ट चल रही है वो आप करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सारे इटालियन जो आजकल चल रहे हैं, क्वालिटी आप लोगों को प्रीमियम वाली मिल रही है, ब्रांड्स के अंदर रहने वाला है, सारे स्विचेस आप लोगों को क्वालिटी बहुत प्यारी मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आप अपना यूज़ कर सकते हैं, गेट वगैरह जो है लोहे के यूज़ करे गए हैं, इसमें प्लस पॉइंट ये मिलते हैं बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं और AC के लिए सबसे अच्छे बेनिफिट्स रहते हैं। विंडो जो आप लोगों को बहुत प्यारी मिल रही है, ओपन रहने वाला है, और 40 स्क्वायर सिर्फ बोलने में, जब आप एंट्री करेंगे ना तो 50 स्क्वायर के अंदर भी आप लोगों को ऐसा नक्शा देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ा आपको बाहर का सीन दिखा देती हूँ, क्योंकि ऊपर भी उन्होंने एक रूम बना रखा है, तो चलिए थोड़ा हम ऊपर चलते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आपको स्टेयर्स पे, तो स्टेयर्स पे भी काफ़ी अच्छा वाला ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, मार्बल नहीं है, ग्रेनाइट यूज़ किया गया, और उसकी थिकनेस देखिए काफ़ी हैवी वाली थिकनेस आप लोगों को मिल रही है। जैसे ही आप गेट ओपन करेंगे तो साथ में ही आपके राइट हैंड पे एक रूम बना हुआ है, वो ओपन रूम बना रखा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने आपको बताया कि आपको राइट हैंड पे रूम मिलेगा, ऊपर भी आप लोगों को फ्लोरिंग मिलेगी, फ्लोरिंग पे टाइल यूज़ कर रखी है, और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, सीलिंग का काम हो चुका है, लाइट्स वगैरह हो चुका है, 80% जो है रेडी है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बाथरूम मिल जाता है, बाहर निकलते ही आपको एक बालकनी मिलेगी, पूरे स्पेस है देख सकते हो, ओपन बालकनी है, और साथ में आपको एक बाथरूम मिल रहा है अटैच यहाँ पर, वो भी पूरा वेल फर्निश हो रखा है, टाइल्स वगैरह प्रॉपर यूज़ हो रखी है, यहाँ पे भी आपको स्विच बोर्ड वगैरह प्रॉपर मिल रहे हैं। गाइस, मैंने आप लोगों को राइट साइड तो दिखाई दिया, मैं आपको जो है फ्लोर का सेकंड पार्ट दिखा देती हूँ, यानी लेफ्ट साइड दिखा देती हूँ, जो कि आपको पूरा ओपन मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में जो है सर ने टेरेस को ओपन छोड़ रखा है,
क्योंकि यहाँ पे जो आप अपना छोटा सा गेट टुगेदर भी कर सकते हैं, अगर आपको छोटा मोटा फंक्शन करना हो या फिर फैमिली के साथ रात को टाइम बिताना हो, खुले आसमान में एक अलग ही फीलिंग आती है, तो वो वाली फीलिंग्स भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है गाइस, बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 20% आप लोगों को अमाउंट पे करना है, 80% की फाइनल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर गाइस वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये घर लेना है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके लिए ऐसे ही नई सारे वीडियोस लेके आएंगे।